हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमें कुछ ब्लैंक्स दे रखी हैं, इनको हमने कोरेक्ट वर्ड से फिल करना है। तो पहली जो ब्लैंक है हमारे पास वो है द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। अब स्टूडेंट, जो सर्कल का सेंटर होता है वो इसके इंटीरियर में होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हम जो फिल करेंगे इंटीरियर फिल करेंगे, मींस करेक्ट आंसर जो होगा वो इंटीरियर आएगा हमारे पास। आइए दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमें दे रखा है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। अब बच्चों, हर एक वो पॉइंट जिसका डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बाहर होगा, मींस एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे जो हम फिल करेंगे वो फिल करेंगे एक्सटीरियर, तो हमारे पास आ जाएगा अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। पार्ट थ्री, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। अब स्टूडेंट, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो सेमी सर्कल के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे बनती है, और जब हम ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ये डायामीटर, इट मीन्स द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो थर्ड में जो हम फिल करेंगे वो करेंगे डायामीटर। फोर्थ पार्ट, एन आर्क इज डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायामीटर। मींस कि अगर कोई आर्क है और इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो डायामीटर के एंड पॉइंट्स हैं, तो ये आर्क क्या बनेगी? तो बेटा, डायामीटर तब बनता है जब हम सेमी सर्कल्स के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते, मींस यहाँ पे जो फिल होगा वो सेमी सर्कल फिल होगा। सो एन आर्क इज अ सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायामीटर। नाउ फिफ्थ पार्ट, इन फिफ्थ पार्ट वी हैव सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। कि सेगमेंट जो होता है वो सर्कल के आर्क और डैश ऑफ द सर्कल। तो बेटा, हमें पता है सेगमेंट तब बनता है जब हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं और एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, तो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है वो हमारे पास सेगमेंट होता है। तो यहाँ पे जो फील होगा वो कॉर्ड होगा। सो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नाउ सिक्स पॉइंट, सिक्स पार्ट, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। सो वी नो अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन थ्री पार्ट्स, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल इटसेल्फ एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सो द आंसर इज थ्री पार्ट्स। तो बच्चों, हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, आइए अब इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें यहाँ पे बताना है ये जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और हर एक केस में हमें रीजन भी देना है अपने आंसर की सपोर्ट के लिए। सो फर्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमें दे रखा है कि
कि वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट को ज्वाइन करता है उसको रेडियस कहते हैं। तो बेटा ये ट्रू है क्योंकि सर्कल के सेंटर से सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर हर एक पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो रेडियस होती है। सो रीजन द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड इट्स रेडियस। कि सर्कल के सेंटर से जो भी फिक्स्ड डिस्टेंस हम लेंगे सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर वो हर एक फिक्स्ड डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस होती है। नाउ सेकंड पार्ट में हमारे पास है अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्ड्स। कि सर्कल के ऊपर हम फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्ड्स ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये फॉल्स है। इसका रीजन ये है कि सर्कल के ऊपर हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं और इन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को जोड़ के हम गिवन जो लेंथ है उसके कोर्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो वी हैव देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑन अ सर्कल एंड वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मैनी कोर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ। Hence, a circle can have infinite number of equal chords. तो circle के finite number of equal chords नहीं हो सकते, circle के ऊपर हम infinite number of equal chords draw कर सकते। Now, third part. If a circle is divided into three equal arcs, each is a major arc. कि अगर हम सर्कल को तीन इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर देते हैं तो हर एक जो आर्क होगी वो मेजर आर्क होगी। तो स्टूडेंट ये फॉल्स है। इसका रीजन ये है बिकॉज इफ वी टेक एनी वन आर्क इट विल बी अ माइनर आर्क विद रिस्पेक्ट टू अदर टू आर्क्स। अगर हम कोई एक तीनों में से एक आर्क ले लेते हैं तो वो जो आर्क होगी वो बाकी की दोनों आर्क्स से छोटी होगी। बाकी दोनों आर्क्स को जब हम ज्वाइन करके देखेंगे तो थर्ड वाली या जो सिंगल आर्क हमने ली है वो उन दोनों आर्क से छोटी होगी। इस तरह से वो आर्क माइनर आर्क बन जाएगी। सिमिलरली इफ वी टेक सेकंड आर्क इट विल आल्सो बी अ माइनर आर्क विद रिस्पेक्ट टू अदर टू आर्क्स एंड आल्सो थर्ड आर्क विल आल्सो बी द माइनर आर्क विद रिस्पेक्ट टू अदर टू आर्क्स। हेंस ईच इज अ माइनर आर्क। हम जब भी तीनों में से कोई एक आर्क लेंगे तो वो आर्क दोनों आर्क्स की रिस्पेक्ट में एक माइनर आर्क ही बनेगी। तो इस तरह से तीनों की तीनों आर्क्स हमारे पास माइनर आर्क्स हों। नाउ फोर्थ पार्ट अ कोर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायामीटर ऑफ द सर्कल। कि वो कोर्ड जो सर्कल की रेडियस के डबल होती है वो डायामीटर होती है। तो स्टूडेंट ये ट्रू है क्योंकि बिकॉज द डायामीटर ऑफ एनी सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। किसी भी सर्कल का जो डायामीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है और जो रेडियस होती है वो डायामीटर की हाफ होती है। सो दिस इज ट्रू। नाउ फिफ्थ पॉइंट सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोर्ड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। कि सेक्टर जो होता है वो रीजन होता है स्पेस होता है या एरिया होता है कोर्ड और कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स के बीच। तो स्टूडेंट ये फॉल्स है क्योंकि जो प्लेन है या एरिया है जो कि कोर्ड और कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स के बीच में होता है वो सेगमेंट होता है ना कि सेक्टर होता है। बिकॉज The region between the chord and its corresponding arcs is called segment. जो sector होता है वो arc और दो radii के बीच का area होता है। Now, last part. A circle is a plane figure. तो student ये true है। क्यों true है? Because a circle is a two-dimensional figure. क्योंकि सर्कल एक टू डायमेंशनल फिगर होती है। हेंस इट इज अ प्लेन फिगर। सर्कल को हम प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, प्लेन सरफेस के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं और ये टू डायमेंशनल फिगर है
और हर एक टू डायमेंशनल फिगर जो होती है, प्लेन फिगर होती है, दैट्स वाई इट इज ट्रू. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड एक्सरसाइज 10.1 ऑफ चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स. होप आपको ये समझ में आ गई होगी. तो आज के लिए इतना ही. थैंक्स.